गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो एक्सरसाइज नंबर पार्ट एंड द फाइनल पार्ट, एक ही क्वेश्चन बचा है तो एक क्वेश्चन के लिए ही ये पार्ट है, एक पार्ट में एक ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी घमंड आ रहा होगा अपने आप पे कि देखो मैं अकेला एक पार्ट में अकेला सोल्व करूं। ठीक है, चलो करने देते हैं उसको कमेंट। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखते हैं, रीड आउट करते हैं। अ सर्कुलर पार्क, देयर इज अ सर्कुलर पार्क, एक पार्क है जो कि सर्कुलर शेप में है। ठीक है ना, ऑब्वियसली सर्कल का चैप्टर है तो सर्कुलर शेप में ही होगा। ठीक है, रेडियस कितनी है? 20 मीटर। एक कॉलोनी में सिचुएटेड है, अच्छी बात है। तीन बॉयज हैं अब की बार, अंकुर, पिछली बार तीन गर्ल्स थी ना, तो इस बार तीन बॉयज हैं, अंकुर, साइद एंड डेविड। अब देखो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इस अब की बार सिख सिख छोड़ दिया उसने। पिछली बार क्या क्या लिया था? हिंदू, मुस्लिम एंड सिख। इस बार हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन ले लिया, यानी सारे जाति वर्ण धर्म को ये मिलाकर आपको जाति धर्म मजहब से परे हटा के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, अतुल्य भारत का एक वो है चित, अखंड अखंड भारत का क्या है, क्या बोलते हैं उसको, चित्रांतरण है, क्या बोलते हैं उसको, इलस्ट्रेशन है। ओके, देखते हैं। तो तीन बॉयज हैं, वो इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं। देखो अब की बार डिफरेंस है, अब की बार पिछले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है, देखो पिछली बार जो सर्किल था उसमें दो लोगों के बीच की दूरी और इन दो लोगों के बीच की दूरी दे रखी थी, राइट, है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी पूछी थी। ठीक है, लेकिन अब की बार डिफरेंस क्या है कि ये तीनों लड़के भेदभाव नहीं करते ना, तो ये तीनों लड़के एक दूसरे से बराबर की दूरी पे बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, है ना। यानी कि मान लो अंकुर यहाँ है और बराबर की दूरी में बिठाना है ना, तो लेट अस से शायद यहाँ है और तीसरा कौन है, डेविड यहाँ है, तो इन तीनों के बीच की दूरी बराबर है, यानी ए से लेके एस जितना दूर है, एस से लेके डी भी उतना ही दूर है और ए से लेके डी भी उतना ही दूर है, दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना। अच्छा, ये चीज भी लॉजिकली आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर इनके बीच में ये डिस्टेंस बराबर है तो घुमावदार डिस्टेंस भी बराबर ही होगा, यानी अगर मैं घूम के आऊं ना, इस आर्क के थ्रू आऊं, तो भी ए से लेके एस, एस से लेके डी और डी से लेके ए, मतलब आर्क, आर्क ए एस की लंबाई, आर्क एस डी की लंबाई और आर्क डी ए की लंबाई बराबर होगी। और अगर साइड ए एस की बात करूं और साइड एस डी की बात करूं और साइड डी ए की बात करूं तो भी बराबर, मतलब साइड्स भी बराबर है ये, लाइक लाइन सेगमेंट मान ले तो भी ये तीनों बराबर हैं, और अगर इसको आर्क से घूम के आए तो भी बराबर है। हालांकि आर्क का यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन तो साइड्स का ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एप्लीकेशन है, बट फिर भी आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीन आर्क्स भी लेंथ में बराबर है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लग जाए कि आर्क की लंबाई को इक्वेट करना पड़े। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? वैसे लेंथ ऑफ आर्क आपके नेक्स्ट ईयर है टॉपिक में, फुल फेज में, तो अभी तो ज़्यादा है नहीं इतना डिफिकल्ट लेवल में। ठीक है, चलते हैं अब आगे, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, अभी कौन सा गेम खेल रही हैं। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। टॉय टेलीफोन होता है ना, टेलीफोन होता है जो वायर से जुड़ा हुआ रहता है, इधर बोलते हैं तो उधर सुनाई देता है ना, है ना, इस तरीके का टॉय टेलीफोन है तीनों के हाथ में, वॉकी टॉकी जिसको बोलते हैं, तो यहां से बोलता है तो इसको आवाज आती है, इसको आवाज आती है ना। ठीक है, ठीक है, इन हिज हैंड्स टू टॉक टू, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हर एक फोन की क्या स्ट्रिंग की लंबाई चाहिए, दैट मीन्स आपको ए एस, एस डी और ए डी, क्योंकि देखो अगर अंकुर यहाँ बैठा है और साइद यहाँ बैठा है तो वो उनकी जो इसके हाथ में टेलीफोन है, इसके हाथ में टेलीफोन है, तो टेलीफोन के बीच में जो स्ट्रिंग होगी, जो डोरी होगी उसकी, वो घूम के थोड़ा आएगी, वो तो सीधी आएगी ना, तो स्ट्रिंग की लंबाई जो होगी वो ऐसी नहीं होगी, स्ट्रिंग की लंबाई होगी वो ऐसी होगी। हाँ, यस, ऑब्वियस बात है, तो एक ही निकालो ना, बिल्कुल, आप एक ही निकालोगे, आप ए एस निकाल दोगे तो एस डी और ए डी भी निकल जाएगा, बट वो एक की भी इतनी आसानी से थोड़ा निकल जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन को, इस पूरे गेम प्लान को अगर अपन मैथमेटिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, 20 मीटर, ये रेडियस मान लूं मैं, ओ से लेके एस रेडियस मान ली जा सकती है ना, 20 मीटर, और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, तो आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है।
कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए एस या एस डी या ए डी क्या होगा, ए एस कह दो या एस डी कह दो या ए डी कह दो, कुल मिला के क्वेश्चन मार के पता लगाओ। क्वेश्चन सेट हो गया अपने आप में, ड्रॉ द फिगर। सर्किल अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल, होमवर्क कंप्लीट था सबका नहीं था? होमवर्क था क्या? पनिशमेंट वाला ही था। अनुष्का आपका हो गया कंप्लीट? तो कल की पनिशमेंट का मतलब कुछ असर हुआ है, कितने दिन रहता है पता नहीं, बस थोड़ा बहुत तो हुआ है, बीच बीच में क्या डोज देना पड़ता है। अब इस डोज से दो बातें होंगी, या तो आप छुट्टी लेना ही लेने से कतराओगे, या तो आप छुट्टी नहीं लोगे, घर वालों को कहोगे मैं ट्यूशन तो जाऊंगी, और या फिर अगर लोगे तो फिर आप अगले दिन कैसे भी मैनेज करके पूछ पाछ के किसी से भी क्या सर ने पढ़ाया होमवर्क करके आओगे, दोनों ही सूरतों में आपका फायदा है। आप छुट्टी नहीं लेते हो क्या? वो खड़े रख दिया ना, वैसे वो एक पनिशमेंट हो गया। तो दोनों ही सूरतों में आपको फायदा है, अगर आप छुट्टी नहीं लेते हो तो भी आपको फायदा है, और अगर आप छुट्टी लेके कहीं से मैनेज करके काम करके आते हो तो भी आपको फायदा है। मेरा फायदा कुछ भी नहीं है, मेरा फायदा क्या है, मेरे को कौन सी ज्यादा फीस मिलती है, मेरे को तो उतनी फीस मिलती है, उल्टा मेरी एनर्जी और वेस्ट होती है आपको डांटने में, या तो नुकसान है क्या? तो फिर आपका आपका नुकसान है ना, मेरे को आपका फायदा देखना है, जैसे मेरा नुकसान हो जाए। हाँ तेरे को डांट लो ठीक है, अब की बार किसी को डांट खानी हो तो चारू को भेज देना, वो सबकी डांट खा लेगी। एक काम कर तू मुझसे डांट खा लेना सबकी, फिर सबको जाके डांट देना। ऐसा मैंने कहा था कभी? क्या कहता रहता हूँ, उपदेश देता रहता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता, दे के भूल जाता हूँ। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे बोल कर भूल जाता हूँ, क्या याद रखें, दरिया कहाँ से रहा है? ओके दरिया मतलब एनी वाटर बॉडी, जैसे नदी नाला, एनी कट स्विमिंग पूल। ओके सो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया क्या सबका? फोन नहीं है पूर्वादित्य, बस ऐसे ऐसी जगह आवाज निकलती तेरी, क्या कह रहा है? ओके ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, अच्छा सॉरी हाँ भूल गया मैं, क्या है ए एस डी, ए एस डी क्या कह रहे हो, लास्ट लेटर या लास्ट जब सेंटेंस खत्म करना होता है तो आपका बेस बढ़ क्यों जाता है? वूफर फेक खा लिया था क्या नाश्ते में कभी, जो अंदर से बच जाता है अंदर से? ओके लेट्स से कि दिस इज द रेडियस, ओ सॉरी दिस इज द सेंटर। अब अगर सेंटर है और रेडियस गिवन है, अगर सेंटर है और रेडियस गिवन है तो रेडियस आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, है ना? बट ऐसे ऐसे क्यों बनाए, जब अपने को तीन पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं सर्किल पे तो इन्हीं तीनों पॉइंट्स की मदद से बनाते हैं, क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर से ऑन द सर्किल ज्वाइन करना होता है, तो हम तीन रेडियाई बना देते हैं, तीन रेडियाई बना और उनकी लेंथ डाल देते हैं 20-20 मीटर।
आज चर्चित नहीं आएगा? ठीक है, मतलब हमारा सर आज दुखने से बच जाएगा, उसका दुख रहा था। ठीक है, वैसे निकिता तो नहीं दुखाती हमारा सिर। ओके सो इसको मार्क कर लेते हैं ओ। अच्छा निकिता साइंस की क्लास लगे गई है? ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको मुझे, तो कैसे भी करके आपने दे दी। चर्चित भी क्लास के मतलब बीच क्लास में से गया है, आया ही नहीं। कल याद दिलाना आपका कर्तव्य है मेरा, मुझे ना। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में। ठीक है, वो अभी चेक करते हैं। ओके 20 मीटर, दिस इज 20 मीटर, दिस इज ऑल्सो 20 मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 20 मीटर। खड़ा होकर यहाँ पे आखिर अभी जरा वूफर निकालता हूँ गले से, यहाँ जल्दी दौड़ क्या। ओके अखिल बताओ कैसे हम इसकी साइड निकाल सकते हैं, क्या आइडिया है आपके माइंड में? ए एस, एस डी या ए डी, कोई भी एक निकाल दो, बाकी हैं तीनों बराबर ही। हाँ पहले अखिल बताएगा, खड़े हो अखिल बताओ। हाइट, साइड, साइड ए एस, साइड एस डी या साइड ए डी? ए ओ एस, आगे ए ओ एस क्या? ए ओ एस एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है फिर आगे भी तो बोलो, आगे क्या? आगे नहीं बोलोगे? हाँ क्या, दो दो साइड गिवन है। अच्छा ए ओ एस में ये कह रहा है दो साइड गिवन है, बिल्कुल गिवन है, शत प्रतिशत सही बोले आप, आगे बोलो। एक तो 20 मीटर ये गिवन है, लेकिन ए एस गिवन नहीं, और ए एस ही तो चाहिए, ए एस ही तो गिवन नहीं, वही तो चाहिए। क्या हो गई है? बताओ रुद्र। हाँ मनन, हाँ ठीक है, क्या करना चाह रहे हो? कॉन्ग्रुएंट, ये तीनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मैंने कर दिए, अब आगे बोलो क्या साइड मिल जाएगी? ए एस इक्वल टू ए डी होगा, तो ए एस ही तो पता नहीं है, और ए एस इक्वल टू ए डी तो मुझे ही पता है, और ए डी इक्वल टू एस डी भी है, ये भी ले ले चलता हूँ, आगे बदलो। मेरे को तो वही तो साइड चाहिए कि कितनी है ए एस कितनी और ए डी कितनी है। हाँ जागृत, जागरा हो, क्या नाम है? जागृत ही तो है, सही तो बोला मैंने? हाँ तो इधर उधर ऐसे कैसे देखा जैसे किसी और को बोल रहा हूँ? पहले बड़े मुश्किल से याद आया तेरा नाम, और फिर तू इधर उधर देख के कंफ्यूज और कर रहा है, मुझे लगा शायद कुछ और नाम है, चेंज करवा ले, देख ले तेरे साथ। हाँ कृतिका, कृतिका बताओ जल्दी बताओ, किसी के भी नहीं बैठा मतलब एक भी बच्चा नहीं? हाँ बोलो। पाइथागोरस थ्योरम इक्विलेटरल ट्रायंगल में नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है कैसे क्या? हाँ फिर बेटा पाइथागोरस थ्योरम के लिए 90 डिग्री का एंगल तो ढूंढ के बताओ कहाँ है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है, या किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है तो हाइट कहाँ है? हाइट के लिए 90 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री कहाँ है? ये तो 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तीनों 60 60 डिग्री है भाई हमारे पास। चलो तो सरेंडर, सफेद झंडा लिया, ओके हथियार डाल दिए सबने, ओके चलिए तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो जो मैं आपसे पूछूं उसका जवाब देंगे आप। तो जो ट्रायंगल का जिक्र अखिल कर रहा था, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या?
कैसे कैसे क्या कर दूं? तीनों साइड नहीं है ना, दो ही तो साइड है हमारे पास। यस वेरी गुड। एक्स को क्या मान लो? एक्स। तो जैसे मैं इसको एक्स मानूंगा तो ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब इस ट्रायंगल का एरिया मैं निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूला से, 20 20 और एक्स, तीन साइड है तो एरिया एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, आ जाएगा। उस एरिया का अगर मैं तीन गुना कर दूं तो टोटल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, बोलो। और टोटल ट्रायंगल का एरिया मैं उस ट्रायंगल, उन तीनों, उस ट्रायंगल के तीन गुने से मैच करूंगा तो एक्स सॉल्व होके आ जाएगा और एक्स ही तो मुझे चाहिए। तो बी किसको लोगे और एच किसको लोगे वो बताओ। एस ओ को आप बी लोगे तो एस ओ पे आपको हाइट चाहिए इस ट्रायंगल की। अगर ये 90 डिग्री पता होता तब तो मैं इसको हाइट मांगता ना, आपको पता ही नहीं है कि 90 डिग्री है। एक्चुअली वो 90 डिग्री है ही नहीं। एक्चुअली पता है कितना डिग्री? कोई बता सकता है कितने डिग्री है ये? 100? नहीं, ऐसे कैसे अंदाजा लगा? ये तुक्का मारा तो 130 बोलो। अब देखो अब एग्जैक्ट, अब मतलब आंखें, मतलब आंखों में प्रोटेक्टर है आपके ना, ऐसे देख रहा है घूर के। सर 130, सर 120, मतलब आंखों में प्रोटेक्टर है क्या? 140। चल अब आ जाओ, सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों में बराबर होंगे बाय सीपीसीटी। तो 360/3, 120 120 120 है, ठीक है ओके। अब ये 120 है तो टेल मी वन थिंग, अगर 120 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊं तो मैं इसको बेस मान के इसको हाइट थोड़ा ले सकता हूँ, हाइट फिर बनानी पड़ेगी उसके अलग से ऐसे। तो अगर आपको उस वो करना है तो आपको उसको आगे एक्सटेंड करके यहाँ से एक हाइट बनानी पड़ेगी, तब जाके आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर पाओगे। तो उस झंझट में क्यों ही पढ़ना, हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं ना, बोलो। चलो तो स्टार्ट करो लिखना। हे यार बैठना चाहता है क्या? हाँ बैठना चाहता है? वूफर निकल गया या अभी फंसा हुआ है थोड़ा बहुत गले में? निकल गया, ठीक है बैठ। अब बजना नहीं चाहिए वो, नहीं तो फिर उससे बड़ी पनिशमेंट मिल जाएगी। अब सबसे पहले मुझे सुनाई देगा, ठीक है? और अगले 2-3 दिन तक तू यहीं बैठेगा जब तक वो वूफर पूरा खराब नहीं हो जाता। खराब करके मानूंगा मैं उसको। और किसी के गले में भी कुछ ऐसे वूफर या कोई बकरी वकरी बोलती हो तो मेरे पास आ जाओ, जितनी भी आवाजें निकलती है ना सारी बंद हो जाएंगी। खुद की भी नहीं निकल पाएगी, खुद की भी नहीं निकल पाएगी जो ओरिजिनल है। जानवरों की तो खूब निकलती है। ऑफ रेडियस 20 मीटर विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, दैट इज ओ एस इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ डी इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर। पहली चीज ये गिवन पॉइंट में आ गई, ठीक है ना? ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट थ्री फ्रेंड्स टेल मी द नेम अंकुर साइद एंड डेविड। डेविड आर स्टैंडिंग ऑन द सर्किल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच, आर स्टैंडिंग ऑन द सर्किल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बराबर की दूरी। दैट इज, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ए एस इक्वल टू डिस्टेंस एस डी इक्वल टू डिस्टेंस ए डी, ठीक है? ये बराबर है और यही तो निकालनी है, यही तो निकालनी है ना बेटा, बोलो, यही तो निकालनी है। अब तो यहां से हमको ये पता चला, सो इट इज क्लियर दैट, या सो ट्राइंगल ए एस डी इज एन
इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एंड, और जो तीन छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं कौन कौन से, ट्राइंगल ओ ए एस, ओ एस डी और ओ डी ए, वो तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है एंड इट इज ऑल्सो क्लियर, इट इज ऑल्सो क्लियर, सब में अपन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं ना, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट ट्राइंगल, बोलो तीन छोटे ट्राइंगल ओ ए एस कॉन्ग्रुएंट टू, ट्राइंगल ओ एस डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डी ए, ठीक है ना। सो इन तीनों के एरिया भी इक्वल हो जाएंगे, सो एरिया ओ ए एस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एरिया ओ डी ए। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, और इन तीनों एरिया को जोड़ दें तो बड़े ट्राइंगल का एरिया भी मिल जाएगा, ये भी क्लियर है, ठीक है ना। अब वो जो साइड्स मिसिंग है ना, ए एस एस डी एन ए डी, लेट दैट साइड बी इक्वल टू एक्स मीटर, है ना। नाउ लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बी एक्स मीटर, बी एक्स मीटर, दैट इज, इसका मतलब हो गया साइड कौन कौन सी थी, ए एस एस डी और तीसरी कौन सी थी, ए डी। हाँ क्या कर रहे होते, हाँ कोई बात नहीं, उसका भी अभी है जवाब मेरे पास, हाँ ठीक है, ए एस एस डी ए डी इक्वल टू एक्स, क्लियर है यहां तक। तो मैं जो अभी आपको मेथड पढ़ा रहा हूं, ये मेथड है मोर एडवांस मेथड, अगर हमको इरोन्स फॉर्मूला नहीं पता हो तो हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उससे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो उससे मैं बाद में आऊंगा, अभी इरोन्स फॉर्मूला से करते हैं ना, फिर बाद में बताऊंगा वो भी, चिंता मत, क्लियर है। क्या तो सवाल आया तेरे माइंड में, ओके, ए एस एस डी ए डी इक्वल टू एक्स मीटर, यहां तक क्लियर है। नाउ एक एक करके एरिया निकालते हैं, अच्छा तीनों का इक्वल है तो एक का निकाल लो बस, तो ओ ए एस का निकाल लो बस, क्योंकि तीनों का तो इक्वल है। तो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल कंसिडर करना चाह रहे हो, बताओ, ओ ए एस ओ एस डी या ओ डी ए। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए एस, तीनों साइड्स बताओ कौन कौन सी हैं, ओ ए तो है 20 मीटर, ओ एस है 20 मीटर और तीसरी साइड जो थी ए एस मैंने मान ली क्या एक्स मीटर। तो हिरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालो, सेमी पेरीमीटर बताओ क्या निकलेगा, सेमी पेरीमीटर, हिरोन्स फॉर्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, जिसको अपन स्मॉल एस से डिनोट कराते हैं, राइट, दैट इज स्मॉल एस, क्या होगा 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 या 3, 2, सेमी है तो आधा होगा, तो 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है यहां तक, ठीक है क्या। और इसको फर्दर और सॉल्व करो तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 40 बाय 2 प्लस एक्स बाय 2, 2 दोनों को दे दिया मैंने ना, मतलब 40 बाय 2 अलग कर दिया और प्लस एक्स बाय 2 अलग कर दिया, ठीक है ना। अभी इसमें अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं तो वापस 2 एलसीएम लेके 40 प्लस एक्स आ जाएगा ना, ऐसा करने से क्या फायदा सर, 40 बाय 2 सॉल्व हो गया ना, 20 प्लस एक्स बाय 2, यहां तक क्लियर है। इतने मीटर आ गया मेरा सेमी पेरीमीटर, डन। अब उसके बाद क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तैयारी पहले ही कर लेते हैं ताकि फिर फॉर्मूला में डायरेक्ट अपन रखें तो वहां पे कैलकुलेशन कम होगी। एस कितना आया आपका, 20 प्लस एक्स बाय 2, 20 प्लस एक्स बाय 2, 20 प्लस एक्स बाय 2, माइनस क्या करना है, ए, ए क्या है, पहली साइड बोल दो ए 20, दूसरी साइड भी ए बी ले लो 20 और तीसरी साइड क्या थी एक्स, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 20 कर जाएगा दो में, तो बोलो यहां पे तो ये 20 माइनस 20 कट गया, 20 माइनस 20 कट, क्या बचा एक्स बाय 2, एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 एंड एक्स बाय 2, और तीसरे में 20 नहीं कटेगा, 20 तो एज इट इज रहेगा,
आप इसको सॉल्व करो, एक्स बाय टू में से एक्स गया तो, एक्स बाय टू में से एक्स गया तो टू एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स, टू एक्स, एक्स माइनस टू एक्स क्या होता है, माइनस एक्स, छोटे में से बड़ा क्वांटिटी जाएगी तो माइनस एक्स बाय टू, यानी माइनस एक्स बाय टू और बचेगा, यानी ट्वेंटी माइनस एक्स बाय टू बचेगा, क्या बचेगा, ट्वेंटी माइनस एक्स बाय टू मीटर मीटर मीटर। यहां तक चीजें समझ में आई, अब सीधे एरोन्स फॉर्मूला लगाओ और एरिया निकालो। नाउ बाय यूजिंग एरोन्स फॉर्मूला, By using Heron's formula, area triangle, क्या नाम था ट्राइंगल का, ओ ए एस, बोलो फॉर्मूला किसको याद है, किसका वूफर बजा था ये, रुद्र खड़ा हो, रुद्र खड़ा हो, जल्दी आ जल्दी, पीछे पीछे जाके खड़ा हो जाए, यहाँ पे आके जल्दी, क्विक, कसम ही खा ली तुम्हारे वूफर ऊपर सब खराब करूंगा, बेसुरा बना दूंगा, इधर आ जा पीछे। एस क्या है, एस व्हाट वाज एस, 20 प्लस x बाय, अरे इधर इधर इशिका के पीछे, 20 प्लस x बाय 2, और अगले 3-4 दिन तक यही मेरे करीब ही रहेगा तू, आसपास ही, ताकि तेरे सुरीले वूफर की आवाज मुझे ही सुनाई दे पहले। एक्स एस माइनस ए क्या है, एक्स बाय टू, एस माइनस बी क्या है, वो भी एक्स बाय टू, और एस माइनस सी क्या है, माइनस 20 माइनस x बाय 2, ठीक है ओके। देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x बाय टू तो का तो पेयर मिल गया मुझे, तो जिसका पेयर कंप्लीट हो जाता है वो तो बाहर आ जाता है भाई, ऐसा ही। अब ये इधर माइनस है इधर प्लस है, अगर ये दोनों सेम होते तो इन दोनों में से एक बार आ जाता, लेकिन अभी नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग हैं, 20 प्लस x बाय 2 अलग फैक्टर माना जाएगा, 20 माइनस x बाय 2 अलग, तो ये दोनों तो अंदर रहेंगे, बाकी एक्स बाय टू तो बाहर आ सकते, कैंसिल कैसे हो जाएंगे, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएंगे भाई, एक्स बाय टू में से एक एक्स बाय टू बाहर रहा, अंदर कौन बचा, टेल मी, 20 प्लस x बाय 2 इंटू 20 माइनस x बाय। अच्छा जी, अब आप इसको कैंसिल, मतलब बाहर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आप इसको अंदर से अंदर सॉल्व तो कर सकते हो, अब अंदर से अंदर सॉल्व करें अगर हम इसको, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस बी स्क्वायर, एक्स बाय टू का स्क्वायर, मतलब एक्स बाय टू का स्क्वायर करो, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और टू का स्क्वायर 4, सॉल्व हो गया। और अगर आपको आइडेंटिटी नहीं लगानी तो एक काम कर लेना, 20 इंटू 20 कर लेना, 20 इंटू -x/2 कर लेना, x/2 इंटू 20 कर लेना, और x/2 इंटू -x/2 कर लेना, सब कुछ कट कटा के यही मिलेगा, ठीक है, और नहीं तो सीधे प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 4 को एलसीएम लो, अभी अंदर से अंदर और सॉल्व होना बाकी है थोड़ा बहुत, तो 4 को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो इट विल बी लाइक 4 इंटू 400 कितना होता है, 1600 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। अब देखो 1600 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 4 रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है, 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 4 इधर अगर डिनोमिनेटर में है तो इसका रूट बाहर डिनोमिनेटर के पास जाएगा, ना कि एक्स के पास, अगर ऊपर से कोई आता तो एक्स के पास आता, नीचे से कोई आएगा तो 2 के पास जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2, और ये 2 और मिल गया इसको, तो एक्स बाय 2 इंटू 2, और अंदर कौन बचा, अंदर केवल और केवल 1600 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, राइट, तो इट विल बी लाइक एक्स बाय 4√1600 − x², कोई दिक्कत यहां तक, मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ऐसे कितने ट्राइंगल है, 3, तो तीनों का एरिया जोड़ दूं तो बड़े ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, तो अब बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर इसका 3 गुना उस बड़े ट्रायंगल के एरिया के इक्वेट कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि बड़े ट्रायंगल एबीसी या एएसडी जो भी नाम था उसका एरिया कैसे निकालें। तो कोई कहेगा कि सर एक काम करो आप, है ना, इसका एरिया ट्रायंगल एएसडी, इसमें ये एक्स है, मैं लिख भी देता हूं क्या क्या माना था हमने, बताओ क्या माना था, एक्स एक्स एक्स, ये भी एक्स मीटर माना था, ये भी एक्स मीटर माना था, और ये भी
एक्स मीटर मानन, ठीक है। तो कोई कहेगा एक काम करो सर, हिरोन्स फॉर्मूला इसमें भी तो लग सकता है, तीन साइड्स मिल गई ना, एक्स एक्स एक्स, और वैसे भी आपको एरिया तो एक्स की फॉर्म में ही चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। बट मैं आपको कहूंगा आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाओ, जो कि याद है किसी को, बोलो। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए एस टी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल का साइन लगा दो, ए एस टी, ए एस डी इज गिवन बाय एरिया ए एस टी इक्वल टू, याद है किसी को, रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड तो एक्स मानिए ना आपने, एक्स एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बताओ समझ आया, बोलो समझ आया क्या, बोलो आपको आया बस समझ में। ओके अब सबसे बड़ा सवाल, सर मुझे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला याद ही नहीं है, सबसे बड़ा सवाल या परेशानी, मुझे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का ये फॉर्मूला याद ही नहीं है। तो भैया फिर आप अब हिरोन्स फॉर्मूला लगा लो, एक्स एक्स एक्स, हिरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व होके भी आपको यही मिलेगा, ठीक है, और तो क्या कहूं भाई, और याद है तो सीधे लगा सकते हो, याद है तो सीधे लगा सकते हो, रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। कुल मिला के यहां तक आ गए, अब एक बार वापस फिगर की तरफ चलते हैं, और मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है एक्स की फॉर्म में, क्या हुआ, बार बार मत छेड़ उसकी चोटी को, एक बार में छेड़ ले जितना छेड़ना है, ठीक है, तो टाइम निकाल के घर पे आ जाएगी, ठीक है, और पूरे ट्राइंगल का एरिया भी मैंने निकाल लिया है। तो अब जो इस ट्राइंगल का एरिया मैंने निकाला है, इसका तीन गुना करते पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, तो उन दोनों को इक्वेट करते, ये भी एक्स की फॉर्म में और वो भी एक्स की फॉर्म में, तो एक्स से एक्स इक्वेट करते एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही तो चाहिए, वही तो चाहिए, समझ में आया ना लॉजिक। चलिए तो नाउ नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट तीनों ट्राइंगल के एरिया नाम बोलो, एरिया ए एस डी प्लस एरिया, नहीं ए एस डी नहीं, पहला वाला क्या था, एओडी, छोटे वाले है ना, एओडी देन डीओएस, क्या था, ओएडी लिखा था, ओएडी क्या लिखा था पहले अपन ने, ओएडी, फिर लिखा था हमने ओडीएस, ओएसडी लिखा था, ओ ए एस, सबसे पहला वाला ओ ए एस, दूसरा ओ एस ए, और लास्ट वाला ओ एस और ओ एस डी तो एक ही हो गया ना, ओ एस डी, और तीसरा ओ डी ए, इन तीनों को मिलाएंगे तो टोटल एरिया ए डी एस आ जाएगा। ये तो क्लियर है फिगर से ही। अब ये तीन जो है तीनों बराबर भी हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं तीन गुना ऑफ, कोई भी एक पकड़ लो, जैसे पहला ही पकड़ लिया, एरिया ओ ए एस बराबर हो जाएगा एरिया ए डी एस के, बोलो, और लगा दो यहां पे, और मैं ये बात भी कह सकता हूं, अब मैं अगर ये बात कह सकता हूं तो मैं इनकी वैल्यू भी रख सकता हूं, तो एरिया सॉरी तीन गुना हाँ जितने बनाना चाहे इनफाइनाइट, हाँ तीन इंटू एरिया ओ एस क्या निकाला था पहले बताओ, हिरोन्स फॉर्मूला से x बाय फोर था या टू था, अच्छा टू इंटू टू फोर हो गया था, रूट 1600 माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर एरिया एडीएस क्या निकाला है ऊपर देखो, रूट थ्री बाय फोर क्या आया आगे, एक्स स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब चलो एलएचएस आरएचएस को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, तो देखो ये 3 इंटू एक्स बाय फोर हो जाएगा, 3x बाय फोर हो जाएगा, ये बोलो क्या हो जाएगा, 3x बाय फोर इंटू रूट ऑफ 1600 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, उधर क्या है, रूट थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर, यहां तक क्लियर।
अब जो जो चीज डायरेक्ट कट रही है मैं काट रहा हूं, देखो जो जो चीज डायरेक्ट कट रही है, जैसे कि ये फोर से ये फोर डायरेक्ट कट रहा है, राइट, डिनोमिनेटर में। इधर एक एक्स है, उधर एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स से वो एक्स टाइम्स कट जाएगा, क्योंकि दो एक्स है ना, अब एक्स इन टू एक्स, तो एक एक्स कट जाएगा। अब बताओ क्या क्या बचा इस पोजिशन तक, क्या क्या बचा, थ्री बचा यहाँ पे, वहां पे क्या बचा 1600 माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर कौन बचा, √3x। अब वैसे तो अगर आप स्मार्ट हो तो आप √3 से 3 भी काट सकते हो, अभी ये √3 इधर रह जाएगा ना, बट चलो नहीं हो थोड़े बहुत स्मार्ट तो हम क्या कर सकते हैं, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो। रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो बहुत करीब है हम एक्स के वैल्यू के, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो जब अपन स्क्वायर करेंगे तो सबका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर बोलो क्या होता है 9, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसके स्क्वायर से ये रूट कट गया, क्या बचा, ओनली 1600 माइनस एक्स स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3, 3, और एक्स का तो एक्स स्क्वायर होगा, अरे एक्स रूट में नहीं है भैया, एक्स रूट में थोड़ी ना है, ये एक्स रूट के बाहर है, तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, रूट के अंदर 3 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट के 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको, अब तो काटोगे, 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, ठीक है, करो मल्टीप्लाई, 3 × 1600 कितना होता है 4800, 3 × x² कितना होता है 3x², उधर कौन है सिंगल एक्स स्क्वायर, -3x² को जरा वहां भेजो, तो 4800 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3x² इधर आके +3x² हो जाएगा, और 1x² तो ऑलरेडी है ही, तो 3x² में 1x² और मिला तो कितने x² हो गए, 4x² हो गए, 4 को अब इधर ले आओ 4800 के पास, तो 4800 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x², 4 से काटो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 1200, तो x² की वैल्यू 1200 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1200 का रूट, 1200 का रूट, ओके तो 1200 का रूट निकाल लो जल्दी से, क्या 1200 का रूट, देखो 1200 का रूट ऐसे निकालो, 12 × 100, अब 100 का रूट तो पता है 10 होता है, और 12 का रूट पता है क्या होता है 2√3, 2√3 होता है 12 का रूट, क्योंकि 12 को स्प्लिट कर दो ना, 2 × 2 × 3 बोल सकते हो 12 को, तो 1 2 और 12 आ जाएगा, तो 20 2 12 आ जाएगा ना 10 के पास, 2 × 10 20√3 मीटर, तो यही हमारी साइड है। सो AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD, तीनों को अपन ने एक्स माना था, तो ये क्या निकल के आया 20√3 मीटर, और लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट हमेशा उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, हेंस लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग ऑफ फोन ऑफ टेलीफोन इक्वल टू 20√3 मीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैच द आंसर, सब लोग आंसर किसे मैच करो फटाफट, चारू बाय यूजिंग आंसर में ये दे रखा है, आंसर ही नहीं दे रखा उन्होंने, हाँ देख बार बता दिया उन्होंने, विश्वास है मुझे ऐसे। ओके चलो मेथड समझ में आया सबको, आपको नहीं लिख के लाना ऐसे बाय यूजिंग आईक्यूलेटर, आपको आंसर लिख के, तो मेथड समझ में आया, रुद्र एंड अखिल उधर से मनन, मेथड समझ में आया, अब सुनो इस क्वेश्चन को करने का ऐसा तरीका जिससे जिससे 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, ये पहले बताते सर, ओके तो कान खोल के सुनिए फिर, देखिए भैया अगर अगर एक सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल आता है,
तो इस ट्रायंगल की जो रेडियस होती है, इस ट्रायंगल की जो ये रेडियस होती है, इसको इस सर्किल की सरकम रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरकम रेडियस, क्योंकि ये सरकम सर्किल है। ये क्या है? और अगर उल्टा हो जाए कि ट्रायंगल अंदर आ जाए सर्किल बाहर आ जाए, क्योंकि हो सकता है, वो भी कौन मना करेगा, नहीं, ट्रायंगल बाहर आ जाए सर्किल अंदर आ जाए, ऐसे, तो ये इसकी रेडियस होगी ना, इस रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। क्योंकि इस सर्किल को बोला जाता है इन सर्किल, तो उसकी रेडियस को इन रेडियस। सुना ध्यान से, फिर से सुनो पूरी बात सुनो। इस सर्किल को तो बोला जाता है इन रेडियस, इस रेडियस को बोला जाएगा रेडियस ऑफ दिस सर्किल। इन रेडियस सर्किल की नहीं होगी, इन रेडियस ट्राइंगल की होगी, मतलब इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी बोला जाएगा, ऐसे नहीं बोला जाएगा इन रेडियस ऑफ दिस सर्किल। इस सर्किल की तो ये रेडियस है ना, इस सर्किल की तो ये क्या है, रेडियस। इन रेडियस किसकी है? ट्राइंगल की। इन रेडियस किसकी है? ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की इन रेडियस का मतलब होता है ट्राइंगल के अंदर समाने वाले सर्किल की रेडियस, और ट्राइंगल की सरकम रेडियस का मतलब होता है ट्राइंगल के बाहर से गुजरने वाले सर्किल की रेडियस। सरकम रेडियस इसके तीन कोनों को छूता है, जिसको अपन वर्टिसेस कहते हैं, और इन सर्किल जो होता है इसकी तीन साइड्स को छूता है सिंगल पॉइंट पे। हालांकि ये अभी एक से ज्यादा पॉइंट पे छू रहे हैं, बट करेक्ट बनाओगे तो ये एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, ठीक है? साइड्स को छूता है और वर्टिसेस को छूता है। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? यहां तक सारी बातें क्लियर है? सरकम रेडियस को लेटर्स से मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूं, और इन रेडियस को लेटर्स से मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूं। तो अब बात रही कि सर अंदर वाला ट्राइंगल तो कैसा भी हो सकता है, या बाहर वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है कुल मिला के ट्राइंगल है, लेटर्स से यहाँ पे एबीसी ट्राइंगल है और वहां पे भी एबीसी ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल जरूरी थोड़ा ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, स्केलिन ट्राइंगल भी हो सकता है और राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी ट्राइंगल हो सकता है। तो बाकी ट्राइंगल को एक बार रखो साइड में, उतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओनली एंड ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल की, कि ये दोनों केस अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं तो इसकी सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला याद कर लो a/√3, और इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला याद कर लो a/2√3। याद हुआ? हो गया क्या? जहां पे ए इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, इस ए का मतलब क्या है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हो गया याद? अब हमारे क्वेश्चन में जो हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो ये वाला केस है कि ये वाला केस है, लेफ्ट साइड वाला केस है कि राइट साइड वाला केस है? लेफ्ट वाला, क्योंकि हमारे सर्किल बाहर है और ट्राइंगल अंदर है। तो देखो ध्यान से, रेडियस गिवन है हमारे क्वेश्चन में कितना, 20, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a/√3। तो जब आप साइड निकालोगे, ए निकालोगे तो रूट थ्री को उधर भेजोगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20√3। यानी कि जस्ट रेडियस को √3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर रेडियस 10 मीटर है तो साइड निकलेगी 10√3, अगर रेडियस 50 मीटर है तो साइड निकलेगी 50√3, और उल्टा अगर आपको रेडियस निकालनी है तो साइड को √3 से डिवाइड करना है। नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए तो नहीं, काम इधर नहीं आई ना, आगे तो आएगी ना, एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने तेरे को, वहां पे मल्टीपल चॉइस में ये वाला क्वेश्चन तेरे को 10 सेकंड में सोल्व करना है, फिर वहां पे याद आएगी मेरी, ठीक है ना? अब उस टाइम तू मुझसे पढ़ने आए ना आए गारंटी नहीं है, तो मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ, मैं एंट्रेंस एग्जाम पढ़ाता ही नहीं हूँ तो कैसे पढ़ेगा, मैं तो 12th तक ही पढ़ाता हूँ ना, एंट्रेंस एग्जाम में पता नहीं कहाँ पढ़ेगा तू, पढ़ेगा भी नहीं पढ़ेगा, जिस टीचर से तू पढ़ेगा वो तेरे को ये बात पता है ना बताए, ओके? नहीं देगा तो क्यों नहीं, कहाँ जाएगा नहीं तो, ओके क्लियर? ये का यही मान लो इधर होता कि ये 20 मीटर होती, टेल मी, अगर ये क्या होती 20 मीटर, और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालनी होती तो मैं इधर 20 रखता और a/2√3 रखता, तो अब की बार a की वैल्यू क्या आ जाती, 2√3 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 40√3 आ जाती, 40√3 आ जाती है ना, अगर ये सर्किल अंदर होता ट्राइंगल बाहर होता। लेकिन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये दो केस केवल और केवल तब अप्लाई होंगे जब ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल बदल गए, राइट एंगल ट्राइंगल हो गए तो दो नए केस हैं, स्केलिन ट्राइंगल हो गए तो दो और नए केस हैं, यानी टोटल 6 केस हैं, तो 6 नहीं बता रहा हूं, 2 को याद रखो,
आपके 10th लेवल तक तो ये दो केस ही आएंगे, उसके बाद अगले लेवल पे जो बचे हुए चार केसेस आप डिस्कस विथ प्रूफ करना। अभी मैंने इसका भी प्रूफ नहीं बताया, विथ प्रूफ आप करोगे तो अच्छे से याद हो। इज दिस क्लियर टू ऑल? अच्छा जी, इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब सुनो, ये था आपका सर्किल और ये थी आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि भैया हिरोन्स फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो सवाल है हमारे विनीत का कि अप्लाई कैसे हो गया, ठीक है ना? तो मेथड नंबर 3 जो चाहे यूज कर लेना मेरी तरफ से, है ना, मैंने तो फुल छूट दे दी। शॉर्ट ट्रिक भी बता, अभी जो इससे पहले था वो तो एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक थी, वो तो एक्चुअली सब्जेक्टिव पेपर में अप्लाई करनी नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाए तो कभी अप्लाई करनी, या आपको नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए कि a/√3 होता है। अब सब्जेक्टिव पेपर में जो दूसरी ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, टेल मी, ये 20 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आप यहाँ से, ये भी 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है ना, चलो इन दोनों को भूल जाओ, ये 20 मीटर है कि नहीं है, है ना? तो उसके लिए भी अब उसने क्या लिखा हुआ है पीछे, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो आपको नहीं पता तो अब मैं आपको बता रहा हूं। तो अब मैं जब आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं तो आप किंतु परंतु नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग इन टू प्रूफ्स, मैं आपको फैक्ट्स क्या है वो फैक्ट्स बताने वाला हूं, सुनना ध्यान से, है ना? तो भैया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, चलो इसको भूल जाओ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप एक मीडियन बनाओगे, पहले तो मुझे बताओ मीडियन क्या होता है, मैं अगली स्क्रीन पे चल रहा हूं, पहले मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब जब घुस ही रहे हैं तो ढंग से घुसो। कि लेट अस से एक स्केलिन ट्राइंगल है, क्या है, एक इक्विलेटरल नहीं है ये, तो इसके अंदर मान लो ट्राइंगल का नाम है ABC, तो मुझे तो एक चीज बताओ, ए से अगर मैं मीडियन बनाऊंगा तो कैसे बनेगी? मीडियन क्या होता है, जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे, जो सामने वाली साइड को आधा आधा करे, उसके मिड पॉइंट को टच करे, ये होती है मीडियन। और अगर अल्टीट्यूड बनाऊंगा तो कैसी बनेगी, जो सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे। तो AE तो है मेरी परपेंडिकुलर और AD है मेरी, फिर से बताओ, AE तो है मेरी परपेंडिकुलर, क्या होती है जिसको अपन अल्टीट्यूड बोलते हैं, हाइट या अल्टीट्यूड बोलते हैं, मतलब AE तो है मेरी हाइट, ये तो क्या है मेरी अल्टीट्यूड, ये तो क्या है मेरी, और ये क्या है मेरी मीडियन। मीडियन क्या होती है, जो सामने वाले साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अल्टीट्यूड क्या होती है, जो सामने वाली साइड को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। इज दिस क्लियर टू ऑल? अब ये तो एक स्केलिन ट्राइंगल का केस है ना, जब ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है तो याद रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो अल्टीट्यूड होती है वही मीडियन होती है, मतलब अल्टीट्यूड बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी कर देगी, यानी उसका अल्टीट्यूड एक तरीके से केवल परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या सबको? सबको क्लियर है। अब दूसरी बात सुनो भैया, एक किसी भी ट्राइंगल में, स्केलिन ट्राइंगल ले लो, इक्विलेटर ले लो या राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, जब मैं 3 मीडियन बनाता हूं, पहली मीडियन, दूसरी मीडियन, मीडियन मतलब सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे टच करनी चाहिए, तीसरी मीडियन, तीन मीडियन जब मैं बनाता हूं तो वो तीनों एक कॉमन पॉइंट से गुजरती हुई जाती हैं, और उस कॉमन पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोइड। क्या कहा जाता है? हिंदी में कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? ये केंद्र बिंदु होता है एक ट्राइंगल का, क्या बोलते हैं? केंद्रक। शिव जी की तीसरी आंख होती है ना यहाँ पे, तो ये उसकी वो तीसरी आंख है, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? और एक सेंट्रोइड हर एक मीडियन को, केवल इसको नहीं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये फैक्ट्स हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के नहीं, ये तो किसी भी ट्राइंगल के फैक्ट्स हैं, कि एक सेंट्रोइड, जो सेंट्रोइड एक पॉइंट है, वो एक मीडियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे, तो किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये डी है, ये ई है और ये ई एफ है, और मान लो सेंट्रोइड को मैंने ओ ले लिया, तो AO:OD 2:1 होगा, मतलब ये सेंट्रोइड है और ये मीडियन है, तो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये? 2:1, यानी कि इस सेंट्रोइड से ऊपर वाला हिस्सा दुगना है इस सेंट्रोइड से नीचे वाले हिस्से से। उसी तरीके से BO:OE भी 2:1 होगा, हर एक मीडियन को ये 2:1 में डिवाइड करेगा। उसी तरीके से तीसरा मीडियन भी ले लो, CO:OF भी कितना होगा? 2:1 होगा। यहां तक क्लियर है क्या सारी बातें? अब चलो ओरिजिनल क्वेश्चन, ये था, क्या ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था? तो अगर मैं इसके आगे परपेंडिकुलर बनाऊं तो आप मानते हो ये भी, ये मीडियन बनेगा, ये मीडियन बनेगा, और ये मीडियन बनेगा तो ये सेंट्रोइड बनेगा, और एक सेंट्रोइड एक इक्विलेटरल एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ऊपर 20 है तो नीचे इसका आधा 10 होगा, तो
तो अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो टोटल एडी कितनी आ गई? 30। ठीक है, टोटल एडी कितनी आ गई? 30। लेट अस से ए बी को एक्स मान लिया। ए बी मतलब ये क्या था? ए डी था। ए डी था, कितना था एडी? 30 मीटर। ए डी क्या था? 30 मीटर। ए डी 30 मीटर तो आया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट यूज करके। ए बी को मैंने मान लिया एक्स, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही कॉन्सेप्ट यूज करूं तो टेल मी बी डी एक्स बाय टू होगी। क्यों होगी बताओ? क्योंकि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और अभी अभी आपने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, तो अल्टीट्यूड ही मीडियन है तो डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है तो बी डी कितनी हो जाएगी? एक्स बाय टू। बोलो होगी नहीं होगी? एक्स बाय टू। अब आप इस ट्राइंगल में ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी में लगाओ पाइथागोरस, क्योंकि उसने पीछे क्या लिखा है कि आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट भी यूज करो। तो बताओ ए डी का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ना इधर भी, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। आपको तीनों तीनों की वैल्यू है। ए डी की वैल्यू क्या है? 30 का स्क्वायर। बी डी की वैल्यू क्या है? एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू क्या है? एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 90, 900, एक्स बाय टू का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा। इस एक्स स्क्वायर बाय फोर को, या सबको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 × 900 इधर कर देता हूँ, 4 × 900 3600 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फोर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट के एक्स स्क्वायर, मैं लिख नहीं रहा हूँ वहां पे, मान लो कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आर एच एस को भी करना, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² फाइन, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 4x² में से 1x² माइनस हो जाएगा, इधर कौन बचेगा? 3600। तो 3600 की वैल्यू 3x², तो x² की वैल्यू वही 1200 जैसे पहले आई थी, और x की वैल्यू वही 20√3, इसका रूट हो जाएगा ना, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट हो जाएगा, तो वही सेम आया 20√3। तो अब आपके पास तीन मेथड हो गए। पहला मेथड हीरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की कोई भी प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस एक एरिया निकालने का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उसमें √3/4 से, चलो वो भी याद नहीं है तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी हीरोन फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो अपन ने क्लास में अभी जो नोट्स में नोट किया है ना। दूसरा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, और तीसरा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, तीन तरीके से हमने एक इक्वेशन को सोल्व किया। तो सबको संतुष्ट कर दिया होगा आई होप मैंने, उन बच्चों को जो पीछे से आंसर लेके आए उससे कराओ, उन बच्चों को जो कह रहे हो कि सर 12वां चैप्टर नहीं पढ़ा है, 10वें में कैसे यूज कर रहे हो, और उन बच्चों को भी जो शायद मल्टीपल चॉइस में इसको अटेम्प्ट करे कभी ना कभी जिंदगी में, ठीक है। चलिए, फिफ्थ एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम कल करेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ ज्यादा खास है नहीं, ज्यादा खास है नहीं, एक दो मतलब 10-15 मिनट का ही काम है इंट्रोडक्शन में, तो कल अपन एक्सरसाइज भी कल ही स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन करके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।